पीएम मोदी से मुलाकात की, तो वहीं आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विज्ञान भवन में लॉयड ऑस्टिन का स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के विषय पर बातचीत उनसे करेंगे। उनके आने का उद्देश्य हिंद प्रशांत सहित क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर द्विपक्षीय रक्षा व सुरक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत करना है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पहुंचे हैं भारत दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लॉयड ऑस्टिन ने मुलाकात की, नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया। चार तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अमर जवान ज्योति पर नमन उन्होंने किया, पुष्पचक्र अर्पित कर याद किया। तीसरी तस्वीर में गार्ड ऑफ ऑनर से प्रिविलेज हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। और चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगवानी उनकी की और तमाम जो जानकारियां हैं रक्षा के सामरिक हितों में वो लॉयड ऑस्टिन के साथ साझा की। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री का भारत दौरा काफी अहम नजरिए से भी देखा जा रहा है, चूंकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद संभवतः पहली बार रक्षा मंत्री वहां से भारत के दौरे पर आए हैं, जिसे कई नजरिए से देखा जा रहा है और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दौरा। साथ ही आपको बता दें कि डिफेंस डील पर इस बार सहमति बनती नजर आ रही है। संभावना यही लगाई जा रही है कि डिफेंस डील जो है अमेरिका और भारत के बीच उस पर सहमति बन सकती है, और कहीं ना कहीं बड़ी बात यह होगी जब भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील पर विश्व की दो बड़ी शक्तियां भारत और अमेरिका जब डिफेंस डील पर साथ में सामने आएंगे तो दुनिया के विश्व के पटल पर कहीं ना कहीं दोनों का ही नाम अव्वल दर्जे से लिया जाएगा। दोनों ही रक्षा क्षत्रिय से उभरे हुए जो देश है वो माने जाते हैं। चार तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने, अमर जवान ज्योति पहुंचे, नमन शहीदों को किया, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए, प्रिविलेज उन्हें किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगवानी उनकी की। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए डिफेंस डील पर कहीं ना कहीं सहमति बनने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के दौरे के बाद में सामने आ रही है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका दौरा माना जा रहा है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पहुंचे और जिस तरीके की तस्वीरें दौरे से सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अमर जवान ज्योति पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर से प्रिविलेज हुए, क्या लगता है कि क्या डिफेंस डील पर इस बार सहमति बन पाएगी? प्रीत जी बिल्कुल, प्रतिनिधि मंडल स्तर की आज वार्ता हुई है दोनों ही देशों के बीच में। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये वार्ता हुई, उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बताया कि भारतीय सेना और यूएस इंडो सेना जो पैसिफिक कमांड है, सेंट्रल कमांड, अमेरिका अफ्रीका कमांड के बीच में इस तरीके की एक सहमति बनी है कि दोनों ही देशों के बीच में आज जो रक्षा सहयोग है उसको और जो है मजबूती दी जाएगी, साझेदारी को और बढ़ाया जाएगा। भारत इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि ऑस्टिन की तरफ से भी ये बयान आया कि दोनों ही देशों के बीच में व्यापक रूप से रक्षा समझौती जो व्यापक रूप से जो रक्षा साझेदारी है उसको बढ़ाया जाएगा। भारत हालांकि इस ओर भैंसा देता भी दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आई है कि 30 मल्टी मिशन सशस्त्र प्रीपेड ड्रोन जो है भारत
खरीदने की योजना बना रहा है अमेरिका से। हालांकि इससे पहले रूस से ये बातचीत जरूर की गई थी, लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से जो सेक्रेटरी अमेरिका के ऑस्टिन भारत आए हैं उनसे ये बातचीत की गई है, तो इस मामले में रक्षा जो साझेदारी है और मजबूत भारत और अमेरिका के बीच यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हुए। हालांकि पीएमओ की तरफ से भी ये बयान जरूर आया जब शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्टिन से मुलाकात की कि दोनों ही देशों के बीच में रक्षा सहयोग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब ऑस्टिन किसी विदेश यात्रा पे पहली बार अमेरिका से बाहर निकले तो भारत आए हैं, ऐसे में भारत के लिए कहीं ना कहीं भारत को बेहद महत्व दिया जा रहा है अमेरिका की ओर से, तो इस ओर भारत को भी एक हाथ बढ़ाने की जरूरत है। भारत मजबूती से प्रतिबद्धता दिखाएगा जिस तरीके से पीएमओ की तरफ से ये बयान आया है। हालांकि जिस तरीके से विदेश के कोई भी रक्षा मंत्री कहें या विदेश से कोई भी जो विदेशी मेहमान आता है तो जिस तरीके से तम गार्ड ऑफ ऑनर से उनको कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया जाता है, ठीक उसी अंदाज में ऑस्टिन का भी स्वागत किया गया जब उनके 3 दिवसीय दौरे पर उन्होंने अमर जवान ज्योति जाकर के शहीदों को नमन किया जब दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोटोकॉल है ये दिखाता है कि भारत में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में जो वार्ता हुई है कहीं ना कहीं सकारात्मक नजर आ रहे हैं। अमेरिका की ओर से भी सकारात्मक संदेश दिए जा रहे हैं, भारत की ओर से भी साझा जिस तरीके से प्रेस वार्ता हुई उसमें ये सकारात्मक कहीं ना कहीं दिखाई दिया जिस तरीके का बयान भारत की ओर से आया है। प्रीत, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से अगवानी की लॉयड ऑस्टिन की, क्या अगर डिफेंस डील पर सहमति बनती है, चूंकि विश्व के दो बड़ी शक्तियां हैं भारत और अमेरिका, किस तरीके से भारत के हित में एडवांटेज नजर आ रहे हैं आने वाले समय में, अगर ये डील यहां पर क्रैक हो जाती है, डिफेंस डील पर सहमति बनती है, भारत के हित में क्या एडवांटेज फिलहाल बन सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तक पूरी तरीके से भारत रूस पे निर्भर हुआ करता था डिफेंस के जितने भी एसेसरीज को खरीदा जाता था, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका से भारत के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं डिफेंस के मामले में बेहतर होते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में भारत को अत्याधुनिक हथियार जिस तरीके से लड़ाकू विमानों की बात करें तो भारत ने कहीं ना कहीं ये योजना बनाई है कि 114 लड़ाकू विमान भारत अमेरिका से खरीदेगा। इस तरीके की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो तमाम कंपनियां हैं जो रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दुनिया भर में, उनमें से काफी जानी मानी जो कंपनियां हैं वो अमेरिकी कंपनियां हैं, तो ऐसे में भारत और अमेरिका के रिश्ते अगर रक्षा के क्षेत्र में बेहतर होते हैं, जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मिलने के बाद ये संभावना जताई थी, तो कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत रूस के साथ भी और अमेरिका के साथ भी परस्पर दोनों ही देशों के साथ बेहतर रिश्ते बना सके। ये कहीं ना कहीं भारत के जो चीन के साथ रिश्ते उनपे कहीं ना कहीं नजर बनाने के लिए, फोकस रखने के लिए कि भारत और चीन जिस तरीके से अब जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी पिछले दिनों उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अगर भारत के अमेरिका के साथ डिफेंस क्षेत्र में बेहतर रिश्ते होते हैं तो। हालांकि रूस के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत बेहतर है और अमेरिका जरूर इस बात को लेकर लगातार दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर, लेकिन आज जिस तरीके की जो वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच में तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भारत और अमेरिका दोनों की ओर से एक सकारात्मक जो रवैया है, जो सकारात्मक जो बयान है वो सामने आया है। बिल्कुल, चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।